हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आज अरबोल का रिव्यू देंगे। ये हम लिए हैं मेशो से। ये वाइटनिंग लोशन है और इसका ये था, काफ़ी छोटा है, इतना सा है और ये 100 ml का है। और ये किस तरह का, मतलब लगाने से अच्छा है या नहीं है, आप वीडियो पूरा देखिएगा तो पता चलेगा। ये वर्क करता है भी नहीं करता है तो बता दे। ये सनस्क्रीन जो है 50+ का है, मतलब 50+ बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा बोलेंगे, 50+ अच्छा है। और 100 ml का है और इसका MRP है 399 का, पर हम इसको मीशो से लिए हैं 148 के लगभग में लिए हैं। इसको लिए हुए हमको 1 महीना हो गया है तो बहुत ही अच्छा वाइटनिंग क्रीम, वाइटनिंग लोशन, सनस्क्रीन लोशन, लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइज फॉर हेल्दी ग्लोइंग स्किन 100 ml। और इसमें बता दें, इसमें कोई केमिकल नहीं मिला हुआ है और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, जैसे कुछ एलर्जी एलर्जी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा अच्छा चीज़ मिला हुआ है। एलोवेरा, आमंड ऑयल, लेवेंडर, मतलब लेवेंडर मिला, यानी कि बहुत ही अच्छा। लेवेंडर तो आप जानते हैं, इसका खुशबू बहुत अच्छा होता लेवेंडर का, तो लेवेंडर इसका बस देखते कैसा है। कुछ इस तरह, इतना छोटा सा है, आप कहीं जा रहे हो तो अच्छा से ले जा सकते हो। इसके अंदर एक कैप दिया हुआ था, खोल कर दिखाते, इसके अंदर एक कैप दिया हुआ था जो कि हम निकाल कर फेंक दिए हैं। इस तरह का ये दिया हुआ है, इसको दिखाते हैं आपको खोलकर ये किस तरह का है। इसको हम अभी ज़्यादातर यूज़ नहीं किए हैं, अभी 10-12 दिन यूज़ किए हैं। अभी यहाँ पर हम तो अभी आसनसोल में रहते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो फ़िलहाल आपको दिखाते हैं किस तरह से है। देखिए, ज़्यादा नहीं लेना है, ज़रा सा लेना है, बस इतना लेंगे ना, बस इतना बहुत है। ज़्यादा अगर लेंगे ना तो चिप चिप चिपचिपा टाइप का हो जाता है। ये देखिए इस तरह का, ये मॉइस्चराइज बहुत अच्छा करता है और इसका खुशबू बोलेंगे बहुत ही अच्छा है। ये देखिए काफ़ी, मतलब आप ज़्यादा, जैसे ज़्यादा धूप होगा ना उसमें ये अच्छा नहीं है, बता दें आपको। देखिए ऐसे करके मसाज करना है, ये इस तरह से हल्का सा ये कर देंगे ना, मसाज कर देंगे, ये देखिए पूरा जो है अब्सॉर्ब हो जाता है जो भी लोशन है। ये देखिए ज़रा सा लेंगे ना तो इस तरह से हो जाता है, मतलब अच्छा से ज़्यादा ले लेंगे ना तो पूरा ऑयली सा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता है। ये ज़्यादा धूप के लिए अच्छा नहीं है ये, जैसे कम धूप हो ना तब आप इसको यूज़ करेंगे अच्छा है। हम अभी कुछ ही दिन यूज़ किए हैं, आप ये वाइटनिंग, ये इसमें वाइटनिंग लिखा हुआ है पर ऐसा कुछ है नहीं, वाइटनिंग नहीं होता है ये, बस मॉइस्चराइज रखता है। और मॉइस्चराइज के लिए आप ले सकते हो इसको, ज़्यादा ये प्राइस का भी नहीं है, 140। ये बॉडी लोशन है, इसमें फेस का कुछ नहीं लिखा, हैंड एंड बॉडी लिखा हुआ है। इसमें इसको शायद फेस में नहीं लगाना हुआ है, फेस में नहीं लगाना है तो आप हैंड बॉडी पूरा बॉडी में लगा सकते हो। तो मॉइस्चराइज के लिए क्रीम ढूंढ रहे हो तो आप इसको अच्छा यूज़ कर सकते हो मॉइस्चराइज के लिए, सनस्क्रीन के लिए नहीं। आप ऐसे नॉर्मल इवनिंग में लगाओ, मतलब ज़रा ज़रा सा जो धूप रहता है ना उसके लिए ठीक है, मॉर्निंग में लगा लो तो इसके लिए ठीक है। पूरा धूप में, अभी जैसे पूरा तपता हुआ धूप है उसमें आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुछ दिन पहले लगा कर गए थे करीब 12-1 बजे, तो आकर देखे तो वही स्किन पूरा ये हो गया था। तो आप ये लोशन अच्छा है, मॉइस्चराइज करेगा, वाइटनिंग नहीं बोलेंगे, वाइटनिंग देखो आप पर दिख रहा है, बस ऐसे नॉर्मली ठीक है, धूप के लिए अच्छा नहीं है। देखो अब से जैसे लगाए हम, आपको कैसा दिख रहा, देखिए हल्का सा बस वाइट कड़ा है, मतलब ज़्यादा वाइटनिंग के लिए नहीं है, बस शायद डेली यूज़ करे तो वाइटनिंग कर सकता है, पर हम कभी ज़्यादा दिन यूज़ नहीं किए, 15 से 20 दिन यूज़ किए हुए हैं इसको। तो आप अगर आपको लोशन ढूंढ रहे हो तो आप इसको ले सकते हो, नॉर्मल ये
1 घंटे 2 घंटे के लिए मॉइस्चराइज रहेगा, ज़्यादा देर मॉइस्चराइज नहीं रहता ये। ज़्यादा देर के लिए आप मॉइस्चराइज क्रीम ढूंढ रहे हो तो ये नहीं, अच्छा नहीं रहेगा मॉइस्चराइज के लिए। 1-2 घंटे के लिए मॉइस्चराइज के लिए क्रीम बहुत ही अच्छा है लोशन जो है, तो ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। ये देखिए मॉइस्चराइज करेगा, स्मूथ करेगा, नरिश करेगा, जो भी पूरा बॉडी में लगाइए अच्छा है, फेस के लिए नहीं ये कोई क्रीम। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, और पूरा वीडियो देखा करो। आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो, प्लीज़ पूरा देख लिया करो कम से कम, मेरे चैनल को सपोर्ट करो।